तो सबसे हम पहले देखेंगे कि कितने बेसिस पे हम आंतमे को क्लासिफाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस यानी कि किस टाइप का बिजनेस आंतरप्रेन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे हम आंट्रप्रेनर को क्लासिफाई कर सकते हैं तो पहला है बिजनेस आंतरप्रेनोर फिर है ट्रेडिंग आंतर इंडस्ट्रियल आंट्रप्रेनोर कॉर्पोरेट एंट्रप्रेनोर एग्रीकल्चर आंट्रप्रेन रिटेल आंट्रपेनोर सर्विस आंतरप्रेनोर तो इतने टाइप में हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस पर हम आंट्रप्रेनर को क्लासीफाई कर सकते हैं फिर दूसरा बेसिस है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम हमर को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकल टेक्निकलोर नॉन टेक्निकल टेक्निकलोर और प्रोफेशनल प्रोफेशनलोर फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन हम आंटेपिन को जो है फोर या फाइव में टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर आंतपिनोर इंडियो आंपिनोर मोटिवेटेड एंप्रेनोर स्पॉन्टेनियस आंतर यानी चार टाइप में हम ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन हम जो है आंतपिनोर को क्लासीफाई कर सकते हैं फिर दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है आंतपिनोरियल एक्टिविटी यानी ऑन द बेसिस ऑफ आंट्रपिनोरियल एक्टिविटी हम आंतपिनोर को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं नोवाइस वाइस सीरियल अंतपिनोर पोर्टफोलियो आंतपिनोर फिर जो दूसरा कैटेगरी है क्लासिफाई करने का वो है क्लेरेंस डेहनऑफ का तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लेरेंस डेनऑफ ये ऑथर हैं इन्होंने आंतप्रेनोर को जो है चार कैटेगरी में डिवाइड किया है पहला इनोवेटिव आंतपिनोर दूसरा एडॉप्टिव और इमिटेटिव आंट्रपिनोर तीसरा फेवियन आंटेपिनोर और चौथा ड्रोन आंटन्योर तो इन सभी को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के आंतपिन होते हैं फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एच कोल तो एच कोल भी ऑथर इन्होंने कहा कि आंतपिन तीन टाइप में डिवाइड हो सकते हैं इंपेरिकल आंतपिनोर रेशनल अंतपिन और कॉग्नेटिव अंतपिनोर फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि आप किस टाइप के ऑनर हैं आप प्राइवेट कंपनी के ऑनर हैं या फिर आप पब्लिक कंपनी के ऑनर हैं उसके बेसिस पे भी हम आंट्रपेनर को डिवाइड कर सकते हैं तो अगर आप प्राइवेट कंपनी रन कर रहे हैं प्राइवेट बिजनेस आप चला रहे हैं तो आप प्राइवेट ऑनर हो गए वहीं पर अगर आप पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी का इस्टबलिशमेंट किया है तो आप क्या होगे? हो गए पब्लिक आंट्रप्रेनर हो गए इसी तरीके से हम ऑन द स्केल ऑफ़ इंटरप्राइज भी हम आंट्रपेनर को डिवाइड कर सकते हैं तो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल यानी कि आप किस पैमाने पर पे आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फिर लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करें अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करें तो आप स्मॉल स्केल गए वहीं पर अगर आप लार्ज स्केल के uh, लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लार्ज स्केल ऑन्ट्रप्रेन्योर हो जाएंगे फिर है ऑन द बेसिस ऑफ़ एरिया यानी कि आप किस एरिया में किस एरिया के लिए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप रूरल एरिया में और रूरल एरिया के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप रूरल ऑन्ट्रप्रेन्योर कहलाएंगे वहीं पर अगर आप अर्बन एरिया में और अर्बन एरिया के पीपल्स के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्बन आंट्रप्रेनोर कहलाएंगे इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो अगर कोई मेल पर्सन है वो रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है इनोवेशन करता है अनसर्टेनिटी को बियर करता है तो वो मेन आंट्रप्रेनोर कहलाएगा और उसी तरीके से अगर कोई फीमेल पर्सन जो है वो रिस्क लेती है बिजनेस स्टार्ट करती है इनोवेशन करती है तो वो फीमेल आंतरप्रेनोर कहलाएगी तो इतने बेसिस में हम जो है आंतरप्रेनोर को क्लासीफाई कर सकते हैं तो नीचे जो ऑनर है पे इंटरप्राइज एरिया जेंडर ये तो हमने डिस्कस कर लिया हम जो ऊपर जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे टाइप ऑफ बिजनेस हो होगी ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया मोटिवेशन के ऊपर आंट्रप्रेनोर एक्टिविटी के बेसिस पे क्लियरेंस एक्सपीरियंस डेन हॉफ क्लासिफिकेशन इनको हम आगे डिस्कस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस पहले हम देखेंगे तो टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हम पहले आंतप्रिन को क्लासिफाई कर सकते हैं बिजनेस आंतप्रिन होती है वो आंतप्रिन होते हैं ही इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन बिल्ड्स ए बिजनेस टू गिव टू हिज आइडिया यानी कि ये ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो आइडिया को डेवलप करते हैं और एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया डेवलप करते हैं और फिर बिज़नेस डेवलप करते हैं आइडिया को जन्म देने के लिए जैसे ओला हो गया ऊबर हो गया थी एक आइडिया था जिसका यूज़ करके उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो इस टाइप के आंध को हम क्या कहते हैं बिजनेस आंपिर यानी कि इनके पास एक आइडिया होता है जिसका यूज़ करके वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर है ट्रेडिंग आंत ट्रेडिंग नाम से ही क्लियर है कि ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग व्यापार तो इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप के अंत होते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में इन्वॉल्व होते हैं ये क्या करते हैं कि एक जगह से सामान को खरीदेंगे फिर दूसरी जगह जाके उसको बेच देंगे तो ही इज एन आंतर हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स किसी ने मैन्युफैक्चर किया गुड्स को वहां से उन्होंने खरीदा और दूसरे जाके दूसरी जगह जाके उसको बेच दिया तो इस टाइप के जो आंपेनोर होते हैं इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ट्रेडिंग आंतपिनोर फिर है ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्रियल आंतपिनोर तो इंडस्ट्रियल आंतर क्लियर होगा कि ये मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं यानी कि हज़ एन आंतप्रियोर हु अंडरटेक्स मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ तो कोई ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करता है आंपिनोर एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसमें वो कुछ नया इनोवेट करता है मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ इनोवेशन करता है तो उसको क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल आंट्रप्रीनोर फिर है कॉर्पोरेट आंतर कॉर्पोरेट आंप्रेनोर क्लियर है कि ऑलरेडी जो कोई बहुत सारे बिजनेस सेटअप होते हैं तो उसमें जब कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो उसको जो ऑर्गेनाइज करता है मैनेज करता है तो उस पर्सन को क्या कहते हैं कॉर्पोरेट कॉरपोरेट ही इज ए पर्सन हू डिमोस्टर इज इनोवेटिव स्किल इन ऑर्गनाइजिंग एंड मैनेजिंग ए कॉरपोरेट अंडरटेकिंग यानी कि किसी कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग को जो मैंने ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करने में जो इनोवेटिव स्किल्स कोई पर्सन दिखाता है तो उसको हम कॉर्पोरेट एंट्रेप्रनोर कहते हैं फिर है एग्रीकल्चर तो दे आर हु अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज रेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर तो ऐसे आंट्रप्रेनोर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में अपने इनोवेशन स्किल्स दिखाते हैं कैसे उनकी क्रॉप्स uh, को रेज करना है मार्केटिंग करनी है उनकी फर्टिलाइजर्स को कैसे मार्केटिंग करनी है अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे

का काम करते हैं इंडस्ट्रियल में वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हैं कॉरपोरेट में वो किसी कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग को इनोवेटिव स्किल्स के थ्रू मैनेज करते हैं ऑर्गनाइज करते हैं और एग्रीकल्चर आंट्रप्रीनोर ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इनोवेशन करते हैं उनको एग्रीप्रनोर्स भी कहा जाता है अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है और उसी में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस रिटेल आंध्रपिनो तो रिटेल आंतपिनर में क्या है ये शॉप्स खुलते हैं रिटेल शॉप जैसे आप देखते हैं किरना स्टोर होते हैं मेडिकल शॉप्स हो गया फ्रूट शॉप्स हो गया तो इस टाइप के लोग भी आंतपिनोर कहलाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं रिटेल आंतपिनोर इसी तरीके से जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको जैसे रेस्टोरेंट में चले गए सैलून में चले गए आप जो है मूवी हॉल्स में चले गए तो ये क्या है सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं तो इन सब आंतपिनर को क्या कहते हैं सर्विस आंतमिन कहते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर एयरलाइंस ड्राई क्लीनिंग ये सब क्या है सर्विस एंटरप्रेन्योर तो ये भी टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी यानी कि एंटरप्रेन्योर किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे हम जो है उनको डिवाइड कर सकते हैं तो पहला है नो वाइज नो वाइज मींस ए नोवाइस इज सम हुज़ स्टार्टड हिज हर फर्स्ट आंट्रप्रोरियल वेंचर यानी कि एक ऐसा पर्सन एक ऐसा मेल या फीमेल जिसने पहली बार अपना एक वेंचर ओपन किया है यानी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है आइडिया डेवलप किया है तो उसको हम कहते हैं नोवाइस यानी कि फर्स्ट टाइम उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वहीं पर दूसरा टाइप है वो सीरियल आंतरप्रो सीरियल यानी कि समझ नहीं रहे होंगे नाम से सीरियल मीन्स ए वन बाई वन तो इसमें यही है कि ए सीरियल हु इज डिवोटेड टू वन वेंचर एट ए टाइम बट अल्टीमेटली स्टार्ट मैनी यानी कि एक सीरियल आंत पहले तो एक बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें फुली डिवोटेड होता है पूरी तरीके से उसके लिए मेहनत करता है उसके बाद जब वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है सक्सेसफुल रन करता है उसके बाद वो दूसरे और बिजनेस स्टार्ट्स करते हैं तो स्टार्ट्स अल्टीमेटली स्टार्ट मैनी यानी कि एक रन किया अच्छे से उस पर ध्यान दिया उसके बाद जब वो अच्छे से सेटअप हो गया तो उसके बाद दूसरा आइडिया डेवलप करके उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया फिर

पोर्टफोलियो क्लियर कर रहा है कि ए पोर्टफोलियो आंतपोलियो स्टार्ट से रन एंड नंबर ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय पे वो कई सारे बिजनेस को रन कर रहे होते तो हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं तो ऐसे आंतपिनों को हम क्या कहते हैं पोर्टफोलियो आंतपिनोर कि एक ही टाइम पे कई सारे बिजनेस को रन करना उनको इनोवेट uh, करना है कई सारे इनोवेशन करना है तो इस टाइप के आंतरिक को हम कहते हैं पोर्टफोलियो आंतपिनोर अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लियरेंस डेनहॉफ का तो इन्होंने जो है आंतपिन को चार कैटेगरी में डिवाइड किया था पहला है इनोवेटिव आंतपिनोर तो नाम से ही क्लियर होगा इनोवेटिव आंत ऐसे आंतरन जो कुछ नया इनोवेशन करते हैं कुछ नए स्किल्स नए मार्केटिंग स्टडीज नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं तो उस टाइप के आंतरों को क्या कह कहते हैं इनोवेटिव आंतरपिनोर एंड इनोवेटिव आंतरप्रेनर इंट्रोड्यूस न्यू गुड्स इनोग्रेट न्यू मैथड ऑफ प्रोडक्शन डिस्कवर न्यू मार्केट एंड री ऑर्गनाइज द इंटरप्राइज तो ऐसे आंतरों को क्या कहते हैं जो कुछ नया गुड नया सामान नया मैनुफैक्चरिंग नया आइडिया डेवलप करते हैं नया मैथड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप करते हैं तो उनको क्या कहते हैं इनोवेटिव आंतपिनोर इनोवेटिव आंतपिनोर ब्रिंग अबाउट इट ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ स्टाइल एंड आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन यानी कि यह क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आते हैं और ये ऑलवेज इंटरेस्टेड होते हैं किसमें कि नया कुछ नया करने में तो इस टाइप के आंतरों को हम क्या कहते हैं इनोवेटिव आंतपिनोर दूसरा टाइप है अडोप्ट

लर्न फ्रॉम द ये कॉपी करते हैं और सीखते हैं इनोवेटिव उनसे इनोवेटिव आंतरप्रनोर है वो क्या क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं तो कुछ नया बनाते रहते हैं क्रिएटिविटी करते रहते हैं वहीं पर एडोप्टिवर क्या है वो आ, इमिटेटिव है वो अडोप्टिव है यानी कि वो अडॉप्ट करते हैं वो कुछ नया काम करने की कोशिश नहीं करते हैं वहीं पे जो नेक्स्ट कैटेगरी है टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरेंस डेना वो है फेवियन आंत तो फेवियन आंत क्या होते हैं दीज आंत ट्रेडिशनली बाउंड दे उड भी कॉशियस ये क्या है ट्रेडिशनली बाउंड होते हैं ये कॉशियस होते हैं यानी कि जल्दी से कोई नया चीज़ अडॉप्ट नहीं करते हैं वो ट्रेडिशन जो उनका पुराना चलता है उसी को फॉलो करते हैं दे ना इधर इंट्रोड्यूस नी चेंज और नॉट एडॉप्ट न्यू मैथड ये नया चेंज ना ही करते हैं और ना ही कोई नया मैथड अपनाते हैं जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है पुराने ज़माने से उसी को वो फॉलो करते हैं दे आर शाही एंड लेजी ये शाही होते हैं और लेजी होते हैं दे ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देर प्रिडिससेस यानी कि जो पुराने लोग काम करते थे उसी को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं दे फॉलो ओल्ड कस्टम्स ट्रेडिशन सेंटिमेंट्स यानी कि पुराने भावनाओं को पुराने ट्रेडिशन को पुराने कस्टम्स को, को ये फॉलो करते हैं तो इस टाइप के आंतपिनो में क्या कहते हैं <coughs> फेवियन आंतपिनोर दे टेक अप न्यू प्रोजेक्ट ऑनली वैन इट इज़ नेसेसरी टू डू सो यानी कि नया प्रोजेक्ट तभी लेते हैं जब उनको लगता है कि हाँ अब बहुत ज़रूरी है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करें नहीं तो पुराने जो पुराना उनका ट्रेडिशन होता जो उनका पुराना कल्चर था उसी के बेसिस वो बिजनेस को कंडक्ट करते रहते हैं तो इस टाइप के आंतपिनो एंट्रप्रेनोर कम क्या कहते हैं फेवियन आंट्रप्रेनोर वहीं पे जो नेक्स्ट uh, कैटेगरी है ऑन द बेस ऑफ क्लेरेंस जो है वो है ड्रोन आंट्रप्रेनोर तो ड्रोन यानी कि ड्रोन आंट्रप्रेनोर आर दोज हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंज इन प्रोडक्शन ये रिफ्यूज कर देते कि नहीं हमें जो है हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी कोई नया टेक्निक नया मेथड यूज़ नहीं करना है प्रोडक्शन का दे वुड नॉट चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यानी कि वो जो पहले से ही प्रोडक्शन का मेथड करते चले आ रहे प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते आ रहे हैं उसको वो चेंज कर नहीं करते हैं दे फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसी को वो फॉलो करते हैं दे मे इवन सफर लॉसेज बट दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड यानी कि ये इस तरीके इस तक रिजिड होते हैं कि उनको लॉस भी हो जाए तब भी वो जो है प्रोडक्शन मेथड में अपना चेंज नहीं करते हैं तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं ड्रोन आंतर तो अब हम नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऑब्वियस से बात है टेक्निकल आंतरप्रेनोर जैसे कि नाम क्लियर कर रहा है कि ये टेक्निकल होते हैं यानी कि कुछ नया क्रिएटिव करते हैं क्राफ्ट्समैन टाइप के होते हैं कुछ बनाते हैं कंसर्न विद टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट का जो टेक्निकल पोर्सन होता है साइज हो गया क्वालिटी हो गया उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं तो डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव क्वालिटी गुड्स ये क्या करते हैं इस टाइप के अंतर्प्रेनोर जो है वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं नई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं नई डिज़ाइन का प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्राफ्टमैन यानी कुछ नया बनाते हैं कंसनट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन देन मार्केटिंग तो जो ये अंतर्प्रेनोर होते हैं टेक्निकल अंतर्प्रेनर ये प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं देन मार्केटिंग मार्केटिंग में कम करते हैं और प्रोडक्शन पे प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी साइज पे ज्यादा फोकस करते हैं तो इस टाइप के आंप्रेनोर को हम क्या कहते हैं ट्रेडिंग टेक्निकल आंतर देन है नॉन टेक्निकल आंतपिनोर तो जाहिर सी बात है कि ये जस्ट अपोजिट होंगे तो नॉन टेक्निकल क्या है नॉन टेक्निकल विथ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दे आर नॉट कंसर्ड विथ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी ये टेक्निकल एसेप्ट से कंसर्न नहीं होते हैं इनको क्वालिटी क्या है प्रोडक्शन कितना है कैसे उस पर फोकस नहीं आता ये इनका फोकस रहता है मार्केटिंग पे दे डेवलप मार्केटिंग टेक्निक एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटी टू देयर बिजनेस कुछ नया मार्केटिंग स्ट्रेटी डेवलप करेंगे मार्केटिंग टेक्निक प्रमोट कर सकते हैं मार्केटिंग एस्पेक्ट पर ज्यादा प्रोफेशनलोफेशनलोर इंटरेस्टिंग मैनेजिंग और ऑपरेटिंग इस टाइप के जो इनका इंटरेस्ट रहता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करें ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको मैनेज करना और ऑपरेट करना करने का इनका मन नहीं होता है जब वो एक बार स्टेब्लिश हो जाता है तो ये... बिजनेस स्टार्ट करेंगे जब चल गया तो उसके बाद किसी और को दे दें कि वो मैनेज करेगा वो उसको ऑपरेट करेगा तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल आंतपिनोर कहते हैं सेल आउट रनिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अन अदर वेंचर विथ न्यू आइडिया तो ये क्या कहते हैं कि एक आइडिया आया उनके पास बिजनेस स्टार्ट किया उसको सक्सेसफुली रन करने लगे उसको बेच देंगे फिर दूसरा नया आइडिया आएगा उसको उसके बेसिस बिजनेस स्टार्ट करेंगे और फिर उसको रन करने लगते हैं तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल आंतपिनोर अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन तो मोटिवेशन यानी कि आप क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्यों रिस्क लेते हैं वो चीज़ आइडेंटिफाई करते तो एक होता है प्योर आंट्रप्रेन्योर तो प्योर एंट्रप्रोर क्या होता है अंडरटेक्स एन आंट्रप्रेनोर एक्टिविटी फॉर इज हर पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन वर्क ए वो और स्टेटस यानी कि ऐसे पर्सन ऐसे लोग जो अपनी पर्सनल सेटिसफैक्शन काम को लेके ईगो को लेके स्टेटस को लेके उसकी वजह से जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं रिस्क लेते हैं आंट्रपेनोर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या कहते हैं आंतपिनोर को क्या कहते हैं प्योर आंतपिन्योर फिर है दे गाइडेड बाई मोटिव ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये इनको प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है इसी वजह से वो क्या कहते हैं आंतरिक एक्टिविटी कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं प्योर आंतरिक जैसे कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस ग्रुप जिनका था यह क्या थे? ये प्योर थे। ये आ, थे था प्योर आंतरप्रनो थे इन्होंने अपने मोटिव इनका था प्रॉफिट अर्न करने का सेटिस्फेक्शन पाने का वर्क वेटस से रिलेटेड का तो इस टाइप के आंतर को हम क्या कहते हैं प्योर आंते इंड्यूस्ड आंतरप्रोल इंड्यूस्ड नामिकले लोग वजह से ये क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं तो स्टार्ट ए बिजनेस वैन दे गेट फैसलिटी दिट टू स्टार्ट ए बिजनेस फ्राम गवर्नमेंट यानी कि इनको लगता है कि जब गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ देती है कि हाँ हम आपको ये इंसेंटिव देंगे ये आ, क्या कहते हैं सपोर्ट देंगे फिनंशियल सपोर्ट देंगे आप बिज़नेस स्टार्ट करिए तो ये सब जब ये जब देखते हैं कि हाँ हमें गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटी मिल रही है तो उसको देख के जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो आप इंड्यूस्ड आंत कहलाएंगे क्यों क्योंकि आपने गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिल रही है इसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपको प्रॉफिट कमाना था आपको सेटिस्फैक्शन पाना था वर्क को स्टेटस को लेके उसकी वजह नहीं तो इसलिए क्या कहते हैं इंड्यूस्ड आंत सच एज असिस्टेंस इंसेंटिवस कंसेशन नेसेसरी ऑफ वर्ट्स मिनिमो तो जब गवर्नमेंट उनको असिस्टेंट इंसेंटिव या कंसेशन देने लगती है तो उनको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा तो वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं इंड्यूस्ड आंत वही भी है मोटिवेटेड आंपेनर तो मोटिवेटेड क्या होता है जब आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूं आई कैन डू तो वही वो लोग क्या कहते हैं मोटिवेटेड मोटिवेटेड बाई डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट तो खुद को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं मोटिवेटेड बाई द डिजायर टू मेक यूज ऑफ देयर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड स्किल तो जैसे मैंने कहा कि यस आई कैन डू तो आपको कब पता चलेगा कि आप कर सकते हैं जब आपको पता चलता है कि हाँ आपके पास टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज स्किल्स हैं आपके पास तो आपको लगता है कि यस मेरे पास भी नॉलेज मेरे पास स्किल्स है मैं इसका स्किल्स का यूज करके मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं तो इस टाइप के आंतर को कहते हैं मोटिवेटेड जो अपने स्किल्स अपने टेक्निकल नॉलेज अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की वजह से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको मोटिवेटेड अंतर्पेनोर कहते हैं वहीं पे है स्पॉन्टेनियस आंतरपेनोर तो ये क्या है ये खुद को इंप्लाई करते हैं आर नेचुरल अंतर को क्या कहते है? हैं नेचुरल आंतरपेनोर कहते हैं स्टार्ट बिजनेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये अपने आप को जॉब देने के लिए कुछ बिजनेस ओपन कर लेते हैं कि चलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें मैं अपने आप को बिजी रख सकता हूँ जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे कि एजड लोग होते हैं तो एजेड लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं घर में बैठे तो चलो एक किराना स्टोरी खोल लेते हैं उसी में दिन हमारा भेज जाएगा और साथ ही साथ कुछ अर्निंग हो जाएगी इस टाइप के लोग हम क्या कहते हैं स्पॉन्टेनियसोर अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रूफ देर एक्सीलेंस इन जॉब परफॉर्मेंस और उसी में अपना जॉब परफॉर्मेंस प्रूफ करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे क्लासिफिकेशन थे के तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के आंतर होते हैं कितने तरीके से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही विश यू ऑल द बेस्ट कीप सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज